यानी लेक है ये। देखा अतिक्रमण के चलते अब ये 7 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। पूरा व्यू ले लीजिए, ये देखे पार्किंग है, टिकट वगैरह की। जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग जर्नीज में। तो आज हम लोग आए हैं गोरखपुर कुछ नई चीज़ देखने, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं रामगढ़ ताल देखने, जो कि बहुत फेमस है गोरखपुर का रामगढ़ ताल। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से हम लोग आए हैं और हम लोग इधर जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो पूरा देखते रहिए ब्लॉग और कैसे कैसे आना है सब बताऊंगा। तो इधर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, शौचालय हैं और हम लोग इधर से जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ से व्यू है रामगढ़ ताल का, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, एंट्री गेट से अंदर जाएंगे। तो कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बोटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, अभी दिखाता हूँ अंदर जाके भी। ये देखिए काफ़ी बड़ा ताल है, यानी लेक है ये। ये देखिए, तो कौन कौन गोरखपुर से है सब कमेंट में लिख दीजिए, और क्या क्या घूमने लायक है गोरखपुर में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देख सकते हैं नेवला है। यहाँ से आप लोग सेल्फी या फोटोग्राफ शूट कर सकते हैं, व्यूइंग गैलरी है ये, देख सकते हैं आप लोग। ये कुछ ऐसा व्यू है, नाव खड़ी है ताल में पूरा, और हम लोग को आगे जाना है। तेज जा रहा है स्टीमर, ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना है ये चीज़। शाम को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आ सकते हैं नौकायान यानी नौका विहार में, जो कि रामगढ़ ताल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अभी अंदर भी लेके चलते हैं आपको। ये कुछ एंट्री गेट ऐसा है नौका विहार यानी रामगढ़ ताल का। सामने इंडिया का झंडा है, जय हिंद कमेंट में लिख दीजिए। गोरखपुर का प्राचीन नाम कभी रामग्राम भी था। गोरखपुर के इसी पुरातन नाम पर रामगढ़ ताल का नाम पड़ा है। जनश्रुतियों एवं बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि यह प्राचीन समय 6वीं शताब्दी में नागवंशी कोलिया गणराज्य की राजधानी थी, जिस वंश की गौतम बुद्ध की माता एवं उनकी पत्नी थी, इसलिए प्राचीन काल में गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम भी था। करीब 1800 एकड़ में फैला हुआ है रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के अंदर स्थित एक विशाल तालाब ताल है। ये 723 हेक्टेयर लगभग 1800 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका परिमाप लगभग 18 किलोमीटर है। इस ताल का केवल गोरखपुर के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक महत्व है। राप्ती नदी की दिशा बदली तो उसके अवशेष से बना रामगढ़ ताल, उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से ही होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती नदी की दिशा बदली तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आ गया। रामग्राम से ही ताल को नाम रामगढ़ पड़ा।
रामगढ़ ताल में ये भी है एक जनश्रुति। एक और जनश्रुति यह भी है कि प्राचीन काल में ताल के स्थान पर एक विशाल नगर था जो किसी ऋषि के श्राप में फंस गया। नगर ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया। शुरुआती दौर में ये तालाब 6 मील लंबा और 3 मील चौड़ा था। तब इसका दायरा 18 वर्ग किलोमीटर था। अतिक्रमण के चलते अब ये 7 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मार्केट लगा है और नाश्ता पानी भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए, अब हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं एंट्री गेट के। तो दोस्तों, अब हम लोग एंट्री गेट पे जाने वाले हैं और ये कुछ लेक का व्यू देख सकते हैं। तो अंदर भी जा रहे हैं, आपको क्रूज भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। नौका विहार में है ये। तो ये चलिए चलते हैं अंदर की ओर, आपको एंट्री दिखाता हूँ कि कैसी है। तो बस हमारे सामने ही एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे रामगढ़ ताल में। और ये देखिए, एंट्री गेट आ गया। और ये देख सकते हैं पूरा मार्केट लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू है अंदर का और क्या क्या रोचक चीज़ें दिखेंगी, सब दिखाऊँगा। ये देखिए, पीने का पानी का नल। ये देखिए, यहाँ से पूरा व्यू ले लीजिए। ये देखें तो यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है और आप लोग अंदर फ्री में आ सकते हैं। ये देखें, कुछ ऐसे जाना पड़ता है अंदर की ओर, ये रास्ता है। देखा जाए तो आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। और ये देख सकते हैं टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेके आप लोग अंदर यात्रा कर सकते हैं बोट वोट में। और ये देखें गोरखपुर का सिंबल। और ये देखे बच्चे खेल रहे हैं गाड़ी। और यहाँ देखे पूरा व्यू। और ये सेल्फी रिंग वाला है। ये देखे कुछ ऐसा क्रूज है, लेक क्वीन लिखा है क्रूज के ऊपर। और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी चलते हैं, पास से भी आपको दिखाते हैं इस क्रूज को। ये देखें, तो शनिवार और रविवार आप लोग आएंगे तो यहाँ काफ़ी भीड़ मिलने वाली है आप लोग को। तो यहाँ पे सारी बुक हो जाती हैं टिकटें वगैरह भी क्रूज की। और ये देखें, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और ये देखें, जानकारी दी गई है कितने प्राइस का टिकट है, क्या क्या है अवेलेबल इस टिकट में। ये देखें, इसमें पूरा टोटली एसी रहेगा क्रूज़ में। ये देखें, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है क्रूज़ का। और यहाँ से आप लोग पूरा व्यू ले सकते हैं पूरे यही रामगढ़ ताल का। ये समझ लीजिए टापू टाइप है, उसी पे हम लोग टहल सकते हैं। और बाकी लेक में हमारी क्रूज और शिप चलती हैं। ये देखें, हम लोग बोटिंग एरिया पे आ गए हैं, यहाँ स्टीमर रखे हुए हैं। और यहाँ से नीचे जाके हम लोग बोट में बैठ सकते हैं। और ये देखें, कुछ ऐसा व्यू है, लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पर लोग सेल्फी और फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा यहाँ से। ये देखिए, तो गाइस कुछ ऐसा व्यू था नौका विहार यानी रामगढ़ ताल का। और ये कुछ ऐसा व्यू है, आपको कैसा लगा सब कमेंट में लिख के बताइए। और लाइक कर दीजिए पसंद आया तो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाता रहूँगा। शेयर करिए सब में, अपने दोस्तों में, परिवार में, सब में शेयर करिए वीडियो को।